भोजपुरी सुपरस्टार और अब धीरे धीरे ही सही लेकिन राजनीति को अपना नेक्स्ट करियर बनाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी इस साल रक्षाबंधन और 15 अगस्त दोनों बड़े धूमधाम से मनाए, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हर बार दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी बहन के साथ अपनी फ़ोटो पोस्ट नहीं करते थे, लेकिन इस साल उन्होंने की। भले ही वो फ़ोटो में रक्षाबंधन की न हो, लेकिन आपको बता दें ये रक्षाबंधन के पहले की फ़ोटो है, लेकिन ये उस दिन पोस्ट की गई जिस दिन रक्षाबंधन था। लेकिन फ़ोटो पोस्ट करने के बाद जो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कैप्शन लिखा वो दिल छू जाने वाला था। उन्होंने लिखा कि भाई बहन के मिलने के बाद सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होता है तो माँ होती है। ये बात तो सच है कि लंबे अरसे बाद या यूँ कह ले बहन की शादी होने के बाद भाई जब अपनी फैमिली में सेटल हो जाता है और जब भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं काफ़ी अंतराल बाद तो सबसे ज़्यादा खुश माँ ही होती है। यहाँ कुछ बातें आपको बता देते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ की जो बहन है वो उनसे बड़ी है, साथ ही उनकी शादी गांव में ही हो चुकी है, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने ही बच्चों की तरह अपने भांजों को भी अच्छी तालीम देते हैं। जी हाँ, उनके भांजे कॉन्वेंट स्कूल में यानी कि पंचगनी में उनके बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं। साथ ही वो निरहुआ की फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं। गर्मी की छुट्टियां हों या कोई भी वैकेशन, इस दौरान ही वो गाँव जाते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ की फैमिली को देखकर आप ये कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों में जिस तरह की फैमिली दिखाई जाती है, हैप्पी फैमिली, ये उस काइंड ऑफ फैमिली है। और प्रवेश लाल यादव की पत्नी मीडिया के सामने कभी नहीं आती, ठीक उसी तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ की बहनें भी कभी मीडिया के सामने नहीं आती। ये तो अच्छा है कि इस बार पता नहीं क्या सोचकर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी बहन के साथ ये रक्षाबंधन पे फोटो पोस्ट कर दी। जिस तरह से आज तक दुनिया ने निरहुआ और प्रवेश की पत्नियों को नहीं देखा है, ठीक उसी तरह उनकी बहनों को भी नहीं देख पाता। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।